हाजीपुर जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान हुई मौत, पत्नी और दो बेटियों के हत्या के जुर्म में था बंद। हाजीपुर से चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट। बुधवार को घटना के बाद मौके पर पहुंचे सदर एसडीपीओ ओम प्रकाश छानबीन की। घटनास्थल पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने की जांच। हाजीपुर, इस संबंध में सदर एसडीपीओ सदर ओम प्रकाश ने बताया कि सूचना मिली कि पिता ने दो बच्चियों और पत्नी की हत्या कर दी है। इस जानकारी पर हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे। आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया है। वहीं घटनास्थल से धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। मामले की छानबीन के बाद शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। आगे की कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है। टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। खुद को पति बता रहा निर्दोष लालबाबू सिंह बेड के नीचे था बेहोश। जांच के बाद ही घटना का हो सकता है खुलासा। घटनास्थल से धारदार हथियार भी बरामद किया। पुलिस को शक है कि लालबाबू गाड़ी चलाने का काम करता है और नशे का आदी है, इसलिए आशंका है कि उसी ने अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में लालबाबू का इलाज चल रहा है। उसके होश में आने के बाद ही घटना के कारणों का खुलासा सकता है। लगातार वाहन चेकिंग की जा रही है चुनाव के दृष्टिकोण से भी और जनरल क्राइम कंट्रोल के लिहाज से भी। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि डीआईयू की टीम तथा गौहल थाना को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है, जिसमें कि पुलिस द्वारा तीन अपराधकर्मियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई है। चैनपुर पुल के पास एक सूचना थी कि कुछ अपराधकर्मी वहाँ पर कोई घटना को अंजाम देने वाले हैं, उसी के लिए वहाँ चेकिंग लगाया गया था। चेकिंग के क्रम में तीन अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक के पास से देसी कट्टा और दो गोली बरामद किया गया, एक के पास से चाकू बरामद किया गया। तो पूछताछ के काम में यह ज्ञात हुआ कि वो लोग वहाँ पर एकत्रित हैं मुख्य रूप से गेहूँ से लूटपाट करने के इरादे से। पूछताछ के काम में ही एक गिरफ्तार अपराधकर्मी पंकज कुमार का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास पाया गया है। साथ ही यह भी पाया गया कि इसमें से दो अपराधकर्मी जो है महुआ में लगभग एक महीने पहले हुए हाउस डकैती के कांड में भी वांछित थे। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है और महुआ थाना वाले केस में अब तीन अपराधी और शेष रह गए हैं जिनकी गिरफ्तारी बची हुई है। जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक अपराधी का पूर्व का संपर्क नियंत्रक सिंह गैंग नियंत्रक गेहूँ से आया है, तो उसके गेहूँ को भी कमजोर करने में सफलता हासिल की गई। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। चुनाव के माहौल में हम लोग वैशाली पुलिस द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि भयमुक्त वातावरण में अपराधियों से मुक्त माहौल में हम चुनाव संपन्न करा सकें, उसी कड़ी में उसी के क्रम में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। क्या क्या बरामद हुआ? एक देसी कट्टा, दो गोली और एक चाकू बरामद किया गया, दो मोबाइल भी जो अपराधकर्मी हैं उनका मोबाइल भी साथ में बरामद किया।